बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, गठबंधन का समीकरण स्पष्ट हो चुका है, उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के शिष्यों की पीढ़ी अब वृद्धावस्था में है। रामविलास जी नहीं रहे, लालू यादव जेल में हैं और नीतीश कुमार 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। वीडियो पर जाने से पहले अपना परिचय दे देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में अब लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों का कोई मोल नहीं रह गया है। सिद्धांत विहीन राजनीति के इस दौर में अब परिवारवाद बिहार का नेतृत्व करने को तैयार है। नीतीश के 15 साल में एक छोटी सी सुई तक का उत्पादन ना कर पाने वाले बिहार राज्य की जनता के सामने अब विकल्प के तौर पर चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी राजनीतिक जीवन में सत्ता का सुख भोगने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। वंशवाद की राजनीति के प्रखर आलोचक राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं से राजनीति का ककहाड़ा सीखने वाले लालू नीतीश हों या फिर समाजवाद की राजनीति का गीत गाने वाले मुलायम रामविलास, सभी ने राजनीति में जड़े जमाने के बाद वंशवाद की कोपले प्रफुल्लित की हैं। लोहिया का स्पष्ट मत था कि वंशवाद लोकतंत्र में कर्क रोग के समान है, जो अंदर ही अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत जड़ों को खोखला कर देगा। यही कर्क रोग अब बिहार की राजनीति को लग चुका है, जिसकी बात लोहिया किया करते थे। कुंभाबाद से निकल रहे चिराग और तेजस्वी तेज प्रताप जैसे सुंदर सुंदर कलियों के पक्षघरों का मत ये है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। तर्क कुछ देर के लिए सही सा प्रतीत होता है, मगर जब क्रिकेटर बनने की इच्छा रखने वाले तेजस्वी और फिल्म स्टार बनने की चाहत रखने वाले चिराग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो पिता की विरासत को संभालते हैं, तब यह तर्क बेईमानी सा मालूम पड़ता है। और पिता के वजूद के कारण मंत्री पद की शपथ लेने वाले तेज प्रताप ठीक से मंत्री पद की शपथ भी नहीं ले पाते हैं। समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्पष्ट मत था कि राजनीति का परिवारवाद भविष्य में लोकतंत्र की बुनियाद में समवांतवाद के बीज को अंकुरित करेगा और जहूरियत अपने उद्देश्यों में असफल होकर एक अप्रासंगिक व्यवस्था बनकर रह जाएगी। लेकिन आज उन्हीं लोहिया के शिष्यों ने बिहार में परिवारवाद की जड़ों को मजबूत किया है। जाति व्यवस्था को तोड़ने के बजाय जाति आधारित राजनीति को और अधिक दृढ़ता से स्थापित किया है। लोहिया अनेक सिद्धांतों एवं क्रांतियों के जनक थे, लेकिन जो बीज वो छोड़कर गए थे उन्हें देखकर आज डॉक्टर लोहिया का आत्मा क्या कहता होगा, ये आप दर्शक ही तय करें। साथ ही मतदान जरूर करें और बिहार की राजनीति को कर्क रोग यानी कि कैंसर से मुक्ति दिलाएं। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।